जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चेक बोर्ड चैनल में। आज हम लोग करेंगे पंचतंत्र की कहानी का पहला तंत्र का पाठ 11, जिसका नाम है छल एक बार। किसी जंगल में चंडका नामक एक सियार रहता था। एक बार भूख के कारण वह नगर में घुस आया। नगर के कुत्ते उसे देखते ही उस पर झपटे। जान बचाने के लिए वह भागा, पीछे पीछे कुत्ते, आगे आगे सियार। भागते भागते वह धोबी के घर में घुस गया। धोबी के घर में नील धुला एक टब रखा हुआ था। क्योंकि सियार कुत्तों के आक्रमण के डर से तेजी से भागा आ रहा था, इसलिए वह सीधा टब में जा गिरा और डर के मारे उसी में डुबक कर बैठ गया। कुत्ते आए और उसे वहां न पाकर भौंक भौंक कर चले गए। कई घंटों के बाद वह पानी से निकला तो उसका रंग बदल चुका था। कुत्ते जब भागने लगे, सियार हैरान तो हुआ, मगर एक पल भी गंवाए बिना उसने जंगल की राह ली। जान बची तो लाखों पाए। जैसे ही गिद्ध जंगल में घुसा तो दूसरे जानवर भी उसे देखकर विस्मित हुए और एक दूसरे से बोले, अरे यह विचित्र जानवर इस जंगल में कहां से आ गया। तत्पश्चात डर के मारे वे इधर उधर भागने लगे। सारे जंगल में भगदड़ मच गई। अब सिया ने अपने रंग रूप पर नजर दौड़ाई तो सारी बात उसकी समझ में आ गई कि रंग के कारण ही सब जानवर उससे भयभीत है। उसने सोचा कि जब यहाँ शेर चीतों का यह हाल है तो तुम कुत्तों को तो बिसात ही क्या थे। अब उसने अपनी धूर्त बुद्धि दौड़ाई और भागते हुए जानवर को देखकर बोला, भाइयों तुम क्यों भाग रहे हो, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, मुझे तो स्वयं भगवान ने भेजा है। भगवान ने मुझसे कहा था कि बेटा तुम उस जंगल में जाओ, क्योंकि वहाँ के जानवरों का कोई राजा नहीं, इसलिए तुम वहाँ के राजा हो, तभी तो मेरा रंग रूप तुमसे अलग है, यह रंग मुझे भगवान ने दिया है। गिद्ध की आवाज सुनकर सभी जानवर रुक गए और गिद्ध के आगे झुकते हुए कहने लगे, महाराज आपका जो हुक्म हो हमें दीजिए, हम सब आपके दास है, प्रजा है। सियार भला ऐसे अवसर पर कहां पीछे रहने वाला था। उसे तो पहली बार राजगद्दी मिली थी। उसने उसी समय अपना दरबार लगाया और शेर को अपना मंत्री, बाघ को सेनापति, हाथियों को पानी लाने का काम, चीते को द्वारपाल बनाकर गिद्धों से तो बात तक न की। इस प्रकार से गिद्ध महाराज राजा बनकर उस जंगल में राज करते। शेर जैसे बहादुर भी उनको सुबह उठकर नमस्कार करते। दिल ही दिल में गिद्ध जी बहुत खुश थे। बड़े आनंद से शेर के मारे हुए शिकार को खाते और मोटे होते जा रहे थे। एक बार पास के जंगल के जानवर ने इस जंगल पर हमला बोल दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। जानवरों की दिल दहला देने वाली चीख पुकार सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर गिद्ध भी सहम गया। महाराज हम पर हमला हो गया, शेर ने उसे बताया और कहा, चलिए युद्ध के मैदान में। यह सुनते ही गिद्ध महाराज तो कांपने लगे। डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा, युद्ध से कोई लाभ नहीं, सब जाकर अपने अपने मांद में छिप जाओ। गिद्ध की यह कायरतापूर्ण बात सुनकर शेर, चीता, भेड़िए समझ गए कि यह तो नकली राजा है, यह तो गिद्ध है, रंगा सियार है, हम तो आज तक धोखे में रहे। फिर सबने मिलकर उस धोखेबाज की खूब पिटाई। दमनक के मुंह से यह कहानी सुनकर शेर बोला, इस बात का क्या सबूत है कि वह मुझसे नफरत करता है। महाराज आज उसने मेरे सामने कहा है कि मैं कल सुबह पिंगलक को मार दूंगा, यही सबूत है। अब सुबह को आप खुद देख लेना, यदि वह लाल मुंह किए, होंठ फड़फड़ाता हुआ, इधर उधर सब ओर देखता हुआ, क्रूर नजरों से आपकी ओर देखे तो आप समझ जाइए कि वह आपकी हत्या करने के लिए आया है। बस इतना कहकर दमनक वहां से उठा और सीधा संजीवन बैल के पास जा पहुंचा। बैल ने अपने मित्र को अचानक आए देखा तो बहुत खुश हुआ और उसका स्वागत कर बड़े प्यार से उसे अपने पास बैठा कर पूछा, कहो मित्र खुश तो हो, इतने दिनों से कहां थे, सच पूछो तो मैं तुम्हारे बगैर उदास हो गया था। दमनक बोला, अरे भाई नौकरों का हाल क्या पूछना, जो लोग राजा के नौकर होते हैं उनकी संपत्ति दूसरों के अधीन, मन सदा अशांत, अपने जीवन का विश्वास भी नहीं रहता। सेवा द्वारा धन एकत्र करने की इच्छा से सेवकों ने जो किया उसे देवो कि शरीर की जो स्वतंत्रता है उसको भी मूर्खों ने खो दिया है। हाय दुखों का यह कैसा सिलसिला है। शास्त्रों में जिंदा भी पांच मरे कहे गए हैं, पहला दरिद्र, दूसरा रोगी, तीसरा मूर्ख, चौथा प्रवासी, पांचवा नौकरी करने वाला। नौकर काम अधिक होने के कारण शांति से न कभी भोजन करता है, न अच्छी प्रकार सोता है, न जागता है और न बेधड़क बात करता है। क्या नौकर की भी कोई जिंदगी है। उन्होंने जिन्होंने सेला नौकरी को कुत्ते की वृत्ति कहा है उन्होंने बकवास की है, क्योंकि कुत्ता तो आजाद विचारधारा रखता है जबकि नौकर मालिक की आज्ञा से सारे काम करता है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, मित्र बैल ने कहा उससे पूछा। देखो मित्र, मंत्रियों को मंत्र भेद करना उचित नहीं, क्योंकि मंत्री होकर जो राजा के विचार को दूसरों से कह देता है वह राजा के काम को बिगाड़ ही देता है, स्वयं भी दुख पाता है। यह नारद ने कहा है तो भी मैंने तुम्हारे सामने यह बात कही है, क्योंकि तुम मेरे ही कहने पर इस राजा के पास विश्वास करके आए थे।
यह शेर पापी है, इसका मन खोटा है। इसने आज मुझे अकेले में ले जाकर कहा कि मैं कल सुबह ही इस बैल को मारकर अपने साथी जानवरों की भूख मिटाऊंगा। सो मैं उसका निश्चय जानकर तुम्हारे पास आया हूँ। अब मेरे पर विश्वासघात का दोष नहीं रहा। मैंने तो गुप्त बात भी तुम्हें बता दी। अब तुम जो उचित समझो करो। मेरा काम पूरा हो गया। बैल बेचारा सोच में पड़ गया। दमनक मन ही मन बहुत खुश था। उसका तीर ठीक निशाने पर बैठा था। उसने बैल को प्यार से कहा, देखो भाई, चिंता मत करो, हिम्मत से काम लो। डर वाली कोई बात नहीं। समय आने पर आदमी अपने आप को बदल लेता है। शत्रु चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, तरीके से उसे मारा जा सकता है। दमनक बैल को यह कहानी सुनाने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।